कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लाख दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन अमरोहा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पीएचसी ने सरकार के इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल अलीपुर गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए आने वाले लोगों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो गाँव में पीएचसी का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पीएचसी को ग्रामीणों के इलाज के लिए अभी तक नहीं शुरू किया है। आलम यह है कि इस पीएचसी पर सुध लेने के लिए कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। यहाँ तो इस उपकेंद्र में क्या, सारे गांव में गंदगी पूरी फैली हुई है और यहाँ बीमारी पूरी चरम सीमा पे है, लेकिन ना कोई एनएमआई है, ना किसी ने यहाँ बुखार के गाँव में जाँच की है, किसी के घर में या कुछ भी। कितनी आदमी, लगभग 200 मौत हो चुकी है गाँव में। अच्छा, कितने लोग? ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 70% लोग बुखार और खांसी जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और कई लोगों को इलाज के अभाव में अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, मगर इसके बावजूद प्रशासन इस पीएचसी की सुध नहीं ले रहा। ये साहब 10 साल से बना हुआ है, जर्जर हालत में है, गांव में बुखार से पीड़ित लोग हैं, 200 मौत हो चुकी है। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल का कोई डॉक्टर एएनएम नहीं आया, इसलिए इस स्वास्थ्य विभाग से वो है कि यहाँ एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और गांव में टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे आपके गांव में? कम से कम 70% लोग बुखार से पीड़ित हैं और ज़्यादातर खांसी, नज़ला, जुकाम, और टीकाकरण नहीं हुआ गांव में अभी तक। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आई यहाँ पर? कोई नहीं अभी तक। ये 10-11 साल से जब से बना है ये बंद है। 10-12 लाख रुपए की लागत लगने के बाद ये गांव में 100 पीस बना हुआ है। आज तक कोई डॉक्टर या डॉक्टर नहीं आके नहीं पहुंची। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे आपके गांव में? गांव में 70-75 लोग आदमी बीमार हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। 5-7 मौत भी हो चुकी हैं। कोई यहाँ टीकाकरण के लिए कोई यहाँ तक कोई सूचना या आज तक कोई आया ही नहीं। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बंद पड़े पीएचसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब इसका निर्माण कराया गया तो फिर पीएचसी को शुरू क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।